स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन पे। तो आज हम देखने वाले हैं नॉन वेटेड कोर्स, जो कि है नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट। लेकिन तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन वेटेड कोर्स। तो नॉन वेटेड कोर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सिस 3 कोड और सेकंड होता है ग्रे कोड। सो हमारे ये टू टाइप्स होते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक्सिस 3 कोड। सो हमारा एक्सिस 3 कोड क्या होता है? अगर हमें कुछ डेसिमल में वैल्यू दी गई हो, लेट्स सपोज हमें 1 दी गई हो डेसिमल में, तो हमें इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो हमारा बाइनरी में क्या होता है? तो हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि होता है हमारा 0001। लेकिन हम इसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हमें कुछ नंबर दिया गया होता है, जैसे कि 8421। सो इससे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमें 1 दिया गया है डेसिमल में, तो हम इसके द्वारा ये कन्वर्ट कर दे सकते हैं। अब हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। सो यहाँ पे नाम ही क्या है, एक्सेस 3 कोड। तो हमें ये जो डेसिमल में दिया गया है, हमें क्या दिया गया था, 1, और हमें इसे एक्सेस कितना करना है, 3 से करना एक्सेस करना है। सो हमारा 1+3 कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। सो हमें जो 4 आएगा वो हमारा एक्सेस 3 कोड होगा। हमारा कितना होगा, वो 4 होगा। तो 4 को हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 0100 लिख सकते हैं। जो है हमारा क्या था, हमने फर्स्ट देखा एक्सेस 3 कोड, देन हमारा था बी ग्रे कोड। अब ग्रे कोड में भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा बाइनरी टू ग्रे। हमारा फर्स्ट जो होता है वो बाइनरी टू ग्रे होता है, और जो हमारा सेकंड होता है वो होता है ग्रे टू बाइनरी। हमारा फर्स्ट जो होता है वो होता है बाइनरी टू ग्रे, और जो हमारा सेकंड होता है वो होता है ग्रे टू बाइनरी। तो हम सबसे पहले देखेंगे बाइनरी टू ग्रे कोड। हम क्या देखेंगे, बाइनरी टू ग्रे कोड। अगर हमें बाइनरी नंबर दिया गया है, हमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। तो हमें लेट्स सपोज एग्जांपल दिया है 1011। तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास इसका 2 मेथड्स है। तो हम फर्स्ट मेथड से देखेंगे, कि हमें 1+0+1+1, मतलब हमें इसे प्लस देना नहीं है, लेकिन हमें इसे प्लस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू है यहाँ पे, तो वो एज इट इज हमें नीचे लिख लेनी है। देन हमें 1+0 कितना आता है हमारा, 1+0 हमारा आता है 1। देन 0+1 कितना आता है हमारा, 1। हमारा 0+1 कितना आता है हमारा, 1 आता है। और हमारा 1+1 कितना आता है हमारा, 0 आता है। 1+1 हमारा 0 आता है। तो हमारा बाइनरी कोड का हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1110। ये था हमारा आंसर। हम उसे मेथड 2 से देखेंगे। मेथड 2 भी आसान है और मेथड 1 भी आसान है। अब मेथड 2 में क्या होता है, मेथड 2 में हमें जो वैल्यू दी गई है उसे लिख 0111। अब हमें ये 1 स्टेप छोड़ के वही वैल्यू रिपीट लिखनी है, मतलब 1011, और इसकी एडिशन कर देनी है।
और ये जो होगा हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो हमारा निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, वन और वन जीरो, वन और जीरो वन, जीरो वन वन और वन वन। सो हमारी मेथड टू से भी किया तो भी वही आंसर आ रहा है। तो हमारा ये हो चुका है बाइनरी टू ग्रे। देन हम देखेंगे ग्रे टू बाइनरी। तो हम दूसरा देखते हैं ग्रे टू बाइनरी। ग्रे कोड यूज्ड इन के मैप। हम ग्रे कोड किस में यूज करते हैं, के मैप में, मतलब कार्नोट मैप में। तो हमें ग्रे टू बाइनरी कैसे करना है, हमें अगर ग्रे दिया हुआ है तो बाइनरी, अभी हमने देखा अगर हमें बाइनरी दिया होगा तो हम सिंपली उसे ग्रे कर सकते हैं। वैसे ही हमें ग्रे भी दिया होगा तो भी हम उसे सिंपली कर सकते हैं। अगर हमारा ग्रे कोड है, सपोज ग्रे कोड हमें दिया गया है 1011, ये हमारा ग्रे कोड दिया गया है, तो हमें इसे क्या करना है, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम उसे कैसे करेंगे, अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम वन जैसे के वैसे नीचे लिख लेंगे। लेकिन हम क्या करते थे बाइनरी में, वन प्लस जीरो कर देते हैं, हम इसे ऐड कर देते थे, हम इसे ऐड कर देते थे, ये दोनों डिजिट को हम इसे ऐड कर देते थे। लेकिन हम ग्रे कोड में वैसे नहीं करेंगे, हम ग्रे कोड में क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट आ चुका है, मतलब जो हमारा वन आ चुका है, नीचे नीचे की जो संख्या है उससे हम इसे ऐड कर देंगे। तो हमारा वन प्लस जीरो क्या आएगा, हमारा वन आ जाएगा। देन वन प्लस वन क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। और जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा, हमारा वन आ जाएगा। तो हमारा ग्रे में होगा तो हमें बाइनरी में सिंपली ऐसे कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा, वन आएगा तो सिंपली वन से वन नीचे लिख लेना है। देन जो हमारा आउटपुट आ चुका है वन, उससे हमें ये जो ऊपर जो हमें दिया गया है एग्जाम्पल, तो उसमें ऐड करना है वन प्लस जीरो, हमारा वन आ जाएगा। फिर इसे वन प्लस वन कितना आ जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा। और फिर हमारा जीरो प्लस वन क्या आ जाएगा, हमारा वन आ जाएगा। तो हमारा ग्रे कोड क्या था, वन जीरो वन वन। तो हमारा बाइनरी कोड क्या आ चुका है, वन वन जीरो वन। तो इतना आसान था ये टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना।